जब हुजूर हो मेहरबान तो किसी की भी ले लो जान, साहब बैठे हैं, रुपए दो और किसी की भी नाम से पाली क्लिनिक का बनवा लो प्रमाण पत्र। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग से अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो आप व्यवस्थाओं का फिक्र छोड़ दीजिए, बस जेब को भारी करके पहुंच जाइए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी मरीज को बुलाकर उसका दवाई इलाज के साथ ऑपरेशन भी कर सकते हैं, चाहे उससे किसी की जान चली जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेटवा दाब दाब मारिन हमें और सब उजार निकाल दिन आते सब खड़ी गवा माले के दोनों रेगा तीनों हो गई हैं हमें माले के रुपये हम और भैया डॉक्टर उनका उनका मार दो जान से मर जाए। श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग से जारी हुआ पाली क्लिनिक का लाइसेंस उस महिला के लिए काल बन गई। जो महिला प्रसव पीड़िता थी उसके पेट में 8-9 महीने का बच्चा था, लेकिन ना उसका बच्चा आज जिंदा है और ना वो महिला। श्रावस्ती के भिंगा में सन्नाइट पाली क्लिनिक के नाम से बिना व्यवस्थाओं का कुछ महीने पहले एक पाली क्लिनिक अस्पताल खोला गया, जिसका लाइसेंस श्रावस्ती के CMO शारदा प्रसाद तिवारी के द्वारा जारी किया गया। लेकिन CMO साहब के द्वारा ये नहीं देखना मुनासिब समझा गया कि जिस लाइसेंस को वो जारी कर रहे उसके यहाँ व्यवस्थाएं हैं भी या नहीं। श्रावस्ती के CMO शारदा प्रसाद तिवारी की एक छोटी सी गलती से आज वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जिस पाली क्लिनिक का CMO साहब ने लाइसेंस जारी किया था, उस पाली क्लिनिक में कुछ दिन पहले एक प्रसव पीड़िता महिला को दलाल के माध्यम से जिला अस्पताल से लाया गया था, जहाँ पर 3 दिन बीत जाने के बाद भी अनट्रेन डॉक्टरों के द्वारा प्रसव पीड़िता महिला का प्रसव न करा पाने के बाद महिला के पेट से बच्चे को टुकड़ों में काट कर बाहर निकाला गया, जिस दौरान डॉक्टरों के द्वारा प्रसव पीड़िता महिला की पेट के अंदर से आंतों को भी नोच कर बाहर निकाल लिया गया, जिसके कारण उसकी भी अब मौत हो चुकी है। क्या जिले में जितने फर्जी नर्सिंग होम चल रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, क्या आपकी छत्रछाया में चल रहे हैं? नहीं, हमारी छत्रछाया में कोई नहीं। सबसे हमारी छत्रछाया में कोई नर्सिंग जिले में पोस्टिंग हुई है, तब से नर्सिंग होम और अवैध जो क्लिनिक है वो काफी संख्या में देखने को मिल रहे हैं। ये आपका आरोप सरासर गलत है। मैं जब से जिले में आया हूँ ये कि तब से चल रहे हैं ये नर्सिंग होम जो भी है, पहले से चल रहे हैं। कार्रवाई की गई मतलब पहले से चल रहा है तो कितने पे कार्रवाई की गई आपके आने के बाद? हम जितने भी हैं जिनके खिलाफ हमें शिकायतें मिलती हैं सबके खिलाफ हम कार्रवाई नियमानुसार करेंगे। हालांकि इस पूरे प्रकरण में महिला के पति की तहरीर पर भिंगा कोतवाली में दिनेश नाम के डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल ये कि जब प्रसव पीड़िता माँ बेटे के मौत के जिम्मेदार सनराइज हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ जिले के CMO शारदा प्रसाद तिवारी तक हैं, तो सिर्फ एक डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, अभिषेक सोनी, न्यूज 18, उत्तर प्रदेश।